हेलो चो, क्या हाल चाल। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 11 का सॉल्यूशन। एनसीईआरटी क्लास 11 का टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो एक्सरसाइज 5.2 का हम लोगों ने डील करना बाकी रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 से, मेरा नाम है राकेश कुमार शर्मा और आपका ब्यूटीफुल चैनल राकेश कुमार शर्मा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर्स की ओर। तो बच्चों, पोलर फॉर्म में निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बोला गया है। जेड का वैल्यू -3 दिया हुआ है, जेड आपका -3 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। इसको सॉल्व करोगे तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लाते हैं। रियल नंबर दिया है, इमेजिनरी नहीं दिया है। तो इमेजिनरी नहीं दिया है तो उसको हम जीरो लगा के आई जीरो कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आपका पोलर फॉर्म का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो आर कॉस थीटा का वैल्यू रियल पार्ट है तो -3 डालोगे, और आर साइन थीटा तो पता नहीं था तो जीरो डालोगे। ओके, देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम इसको मान लिया। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड फर्स्ट एंड सेकेंड, देन क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस सी का स्क्वायर 9 होता है। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जीरो ही होगा स्क्वायरिंग करने के बाद, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर दोनों साइड में है तो कॉमन कर लिया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 प्लस 0 क्या आएगा अपन का, 9 आएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 9। देन आर का वैल्यू फाइंड आउट हो गया 3। आर का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में पुट अप करोगे तो कॉस थीटा आपका आर का वैल्यू 3 डालोगे तो उस साइड जाकर -3/3 हो जाएगा। देन क्या आएगा वैल्यू, -1 आएगा। साइन थीटा का वैल्यू इसी तरह क्या करोगे, आर 0/ आपका 3 डालोगे। आर के वैल्यू को पुट करने के बाद 0/3 इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब हमने देखा कि इक्वेशन कहाँ लाइज कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कॉस निगेटिव का वैल्यू जो आता है कॉस पाई का वैल्यू होता है, और ये आपका साइन पाई का वैल्यू होता है 0, ठीक है। पाई का मतलब क्या होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। ओके, तो हमने क्या किया, इसका एंगल कितना आया हमारा, पाई आया। इसका भी क्या आया, पाई आया। तो यानी कि लाइज कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो एंगल निकालोगे तो कितना आया एंगल, थीटा का वैल्यू पाई। अब हमको क्या करना है, आर निकल गया है कितना, 3 डाल लोगे पोलर फॉर्म में डालने के लिए। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है, -1 आया था। तो थीटा का वैल्यू क्या आया, यहाँ से थीटा का वैल्यू पाई आया। ओके, तो हमने क्या किया, तो इसका थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू पाई आया तो यहाँ भी पुट कर लेंगे पाई का फॉर्म, ठीक है। इस तरह से हम लोगों का पोलर फॉर्म का इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 का निकल गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को इसी तरह प्रिंट से डील करेंगे। चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका रूट अंडर 3+i दिया हुआ है, पोलर फॉर्म ही निकालना है इसका भी। तो आपको इसको क्या करना है, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्म है, जेड इक्वल टू √3+i। तो हमको क्या करना है, आर कॉमन निकाल के कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखना पड़ता है क्योंकि ये क्या है, पोलर फॉर्म। तो आर कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये रियल पार्ट है तो इसका वैल्यू दिया है √3। आर साइन थीटा करोगे तो इसका वैल्यू दिया है 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, इक्वेशन फर्स्ट कर लो इक्वेशन सेकेंड कर लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन 1 है सेकेंड को, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके देन क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। देन क्या करोगे, ऐड। तो क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। मैच एडिंग करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉमन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, 1+1 करोगे इस साइड में तो 4 हो जाएगा। तो देन आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आया, आर का वैल्यू 2 आया। ओके, यानी कि आर का वैल्यू यहाँ 2 आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है। तो यानी लाइज कहाँ करेगा, एंगल यहाँ कहीं लाइज करेगा। तो थीटा का वैल्यू इस तरह से आपका बन रहा है। तो हमने क्या देखा कि आर का वैल्यू यहाँ पुट करोगे क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो आर का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, √3/2, और साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 1/2। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कॉस 60 का वैल्यू क्या आता है, और साइन थीटा, तो साइन का 1/2 का वैल्यू कब आता है आपका, 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2 आता है। ओके,
तो यह क्या आया, पाई बाई सिक्स का वैल्यू आया। एंगल क्या लगा, पाई बाई सिक्स, 30 डिग्री होता है थीटा का वैल्यू। कॉस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, अपॉन 1/2 होता है, ठीक है। साइन 0 0, साइन 30, 1/2। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता है, 30 वैल्यू लगाओगे तो क्या आएगा, √3/2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने थीटा का वैल्यू निकाल लिया। तो हमको क्या करना है, आर का वैल्यू डाल देना है। आर का वैल्यू आया था अपन का 2, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया था, पाई अपॉन 6, पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई अपॉन 6। ये आपका आंसर पोलर फॉर्म का तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम लोग 8 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में वैल्यू दिया हुआ है आपका आई, इसको भी हमको पोलर फॉर्म में बनाना है। तो आपको क्या करना होगा, जेड इक्वल टू क्या होगा, रियल नहीं दिया है तो 0 लगाओगे, और आई तो दिया हुआ है। ओके, तो इससे पुट करोगे तो क्या आएगा, आर कॉस थीटा इक्वल टू 0 और आर साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 1। स्क्वायरिंग बोथ सेट करना है, सब में वही होते हैं यार, स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन क्या करोगे, एडिंग करोगे, एडिंग। तो बच्चों एडिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करते हैं, चलो हम लोग स्क्वायरिंग करके देखते हैं क्या आता है, आर का वैल्यू, मॉडुलस का वैल्यू क्या आता है। तो आर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, आर साइन थीटा का वैल्यू क्या है, स्क्वायरिंग करने पे 1। बोथ साइड को भी ऐड करना है तो क्या आएगा, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो वैल्यू क्या है, 0 + 1 आपका 1 आया। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है बच्चों, 1, तो आर का वैल्यू 1। ओके, आर का वैल्यू हमको 1 आया, तो हमको थीटा निकालना है। तो थीटा के लिए 1 को पुट करोगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू आपका 0 और साइन थीटा का वैल्यू क्या आया, 1/2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या पुट करोगे, आर इक्वल टू 1। ओके, तो आर का वैल्यू 1 पुट करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन n1 2, 1 और 2 में कर लिया, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आ रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। तो 1/2 आर, अच्छा 1 ही आ रहा है ना, साइन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ओके, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, पाई बाई 2 में आता है। ओके, तो थीटा का वैल्यू क्या निकला, पाई बाई 2, यहाँ भी थीटा का वैल्यू क्या निकला, पाई बाई 2, ठीक है। लाइंस कहाँ कर रहा है, फर्स्ट क्वार्ट में ही कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट क्वार्ट में कहाँ बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ओके, तो ये पॉजिटिव भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू निकल गया, थीटा का वैल्यू निकल गया, तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो वैल्यू था इसका पोलर फॉर्म लिखोगे तो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ओके, तो आर का वैल्यू क्या आया था बच्चों, 1 आया था, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया था अपन का, थीटा का वैल्यू क्या आया था, 90 डिग्री। तो क्या आएगा, कॉस पाई अपॉन 2 प्लस आई साइन पाई अपॉन 2। इस तरह से हमारा पोलर फॉर्म का आंसर आ गया, कॉस पाई बाई 2। पोलर फॉर्म का आंसर क्या आया, कॉस पाई अपॉन 2 प्लस आई साइन पाई अपॉन 2। ये आपका आंसर करेक्ट हो गया पोलर फॉर्म का। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे नए वीडियो जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं कंटिन्यू करते रहे और एंजॉय करते रहे। ऑल द बेस्ट।